बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान गरीब और मददगार लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने लॉकडाउन में कई लोगों की मदद की, उन्हें सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंचाने से लेकर खाने पीने तक सभी चीजों का खास ख्याल रखा। उनके इस महान काम को पूरे देश ने बहुत सराहा है। अब उन्हें वास्तविक जीवन में भी हीरो माना जाता है। अब उनके अच्छे कामों से प्रेरित होकर हैदराबाद में एक तैराक ने सोनू सूद के नाम पर फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। सोनू ने खुद इस सर्विस की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। सोनू खुद इस फ्री सर्विस के उद्घाटन में शामिल होने के लिए भी पहुंचे। उद्घाटन की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, हमारा पहला कदम दूर तक जाना है। बता दें, इस तैराक का नाम शिवा है। शिवा ने 100 से भी ज्यादा लोगों को झील में कूदकर आत्महत्या करने से बचाया है। उसके बाद से ही लोगों के बीच वो काफी चर्चित हो गए। इस नेक काम के लिए उन्हें डोनेशन भी मिलने लगा। शिवा ने जो एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है उसका नाम सोनू सूद एम्बुलेंस सर्विस रखा गया है। ये एम्बुलेंस सर्विस लोगों की जान बचाने के साथ साथ पुलिस की मदद भी करेगी। शिवा इस जगह में काफी सालों से रह रहे हैं। उन्होंने ये रेस्क्यू सर्विस अपने छोटे भाई की डूबकर मौत होने के बाद शुरू की है। बता दें, तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में लोगों ने एक्टर सोनू सूद को एक असली हीरो मानते हुए उनके नाम का मंदिर तक बना दिया है। वहां लोग उन्हें भगवान का स्वरूप मानते हैं। इन दिनों बीएमसी केस के चलते सोनू सूद खासा चर्चा में बने हुए हैं। मुंबई के जुहू स्थित एक रिहायशी बिल्डिंग में अनऑथराइज तरीके से निर्माण कराने के मामले में बीएमसी ने सोनू सूद को अपराधी करार दिया है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।